बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं और ऐसे ही एक डिबेट शो के दौरान संबित पात्रा ने बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा और बता रहे थे कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, लेकिन उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी नफरत की लैला है और नफरत फैलाने का काम करती है। इस पर ओवैसी की पार्टी के नेता ने फौरन संबित पात्रा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, अगर उन्होंने मोदी के बारे में बोलना शुरू कर दिया तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। और इस तरह से ओवैसी के नेता और पात्रा करीब आधे घंटे तक इस पर बहस करते रहे, लेकिन बाद में दोनों को चुप करवा दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। वहीं अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी बयानबाजी को दूसरे स्तर तक ले जा रही हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।